हाय दोस्तों, स्वागत आप लोगों का एक नए Q&A वीडियो में। आज की इस Q&A वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो भी लेटेस्ट कमेंट है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जो भी आंसर होगा मेरी तरफ से एकदम जेन्युइन होगा, परफेक्ट होगा आंसर, हम करने की कोशिश करेंगे। आपने जो भी कमेंट किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट मिलेगा। और बहुत टाइम के बाद हम Q&A वीडियो शूट भी कर रहे हैं, तो आप कुछ भी फ्रॉड नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप फ्रॉडगिरी करते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहला कमेंट जो हम पिक करेंगे और इस कमेंट का आंसर भी हम जबरदस्त देंगे और पूरा फुल जेनुइन देंगे। ओके, फ्री मोशन 4x1 का आईडी है यूट्यूब का। इन्होंने कमेंट किया है सर 16 घंटा ड्यूटी करना करेगा तो कितना सैलरी मिलता है ब्रो। ओके ब्रदर, आप सबसे पहले आप देख लो एज एचआर पॉलिसी आपको कोई भी कंपनी कंटिन्यू 16 घंटा ड्यूटी नहीं देगी। अगर 8 घंटे के बाद अगर 8 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको कम से कम 24 घंटे का रेस्ट होना चाहिए एज एचआर पॉलिसी। बट एक कंपनी में कंटिन्यू 16 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ड्यूटी करोगे तो 16 घंटा 48 घंटा इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ड्यूटी 16 घंटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। बट एज एचआर पॉलिसी एक कंपनी में इतना ड्यूटी नहीं कर सकते आप। वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है क्या उसी का एचआर पॉलिसी है, क्या उनका एचआर एडमिन पॉलिसी है, ओके, उनका क्या कंप्लायंस है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बात करेंगे कि अगर आप सच में 16 घंटे ड्यूटी करोगे तो सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिकली हाउसकीपिंग, पैकिंग, प्रोडक्शन, लोडिंग, अनलोडिंग, हाउसकीपिंग के लोग 16 घंटे ड्यूटी करते हैं डबल कंपनी में, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, डबल कंपनी में काम करके ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट करके लोग काम करते हैं। तो एक कंपनी का सैलरी कम से कम 8 घंटे का 13,000 से 14,000 है अनस्किल का, ठीक है, सेमी स्किल का सॉरी। तो डबल कंपनी में काम करेंगे तो 14,000 जोड़ लो कितना हो गया 28,000। बट पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा एवरी डे 16 घंटे ड्यूटी कर पाए। आपको लगता है पॉसिबल है, बट बहुत सारे लोग करते हैं नहीं, 26 दिन करेंगे, 20 दिन तो मोस्टली कर ही लेंगे वो करंटली लिख के। लोग बहुत सारे लोग वेयरलाइन इंडस्ट्री में करते हैं काम, मेहनत से करते हैं, 6 महीना दबा के काम करते हैं, दबा के पैसा कमाएंगे निकल जाते हैं। तो इस एक कमेंट के ऊपर मैंने इसके लिए इतना टाइम दिया है कि सच में लोग करते हैं। अगर आपके पास जिगरा है, जुनून है, शरीर में जान है तो करो, पैसा कमाओ, जाओ कमा के घर। ओके, बट तबीयत डिस्टर्ब होता है, ये नोट लिख लो, नोट करके लिख लो, तबीयत डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है जितना कमाते हैं उतना लग भी जाता है। ठीक है, नितिन राज लिखते हैं जॉब दिला दीजिए। बिल्कुल जॉब मिल जाएगा, गोवा जाओ, गोवा आने से पहले एक बार मुझे कांटेक्ट करो और आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, समीर गुप्ते लिखते हैं मेरा एज 51 है, ट्रांसपोर्ट में जॉब मिलेगा क्या। गुप्ता साहब देखो, एज तो मैटर करता है, एज ए वेंडर काम आपको अगर मिलना है, देना है, लेना है तो, क्योंकि अभी देखो जो भी वेंडर थ्रू आपको काम मिलता है वो थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो कंपनी अभी कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहता है कि बंदा यंग हो, स्ट्रांग हो, फिजिकली फिट हो, मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए। तो 50-51 के आसपास थोड़ा सा मेडिकल इशू आता है और हेल्थ का थोड़ा इशू होता है, इसकी वजह से कंपनी प्रिफर नहीं करती है आपको 51 के आसपास को लेने के लिए। क्योंकि आप देख ही रहे हो 58-59 तक, 60 तक आपको रिटायरमेंट का टाइम है। तो आप रिटायरमेंट का टाइम में अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपको जॉब की नीड है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है फैमिली में। ओके, और घर चलाने के लिए जॉब तो करना ही पड़ेगा, इंसान जब तक जिंदा है तब तक तो दाल रोटी तो चाहिए, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो समीर गुप्ता जी जॉब बेसिकली मेरे पास तो 51-52 के लिए फिलहाल तो नहीं है और कंपनी लेती भी नहीं, तो हम आपको आश्वासन नहीं दे सकते आपको मिल जाएगी। सुरेश कुमार लिखते हैं सर मैं सुरेश कुमार कानपुर से हूं, मैं हाई स्कूल फेल हूं, मेरी उम्र इनका डेट ऑफ बर्थ है 1972, तो मुझे काम मिल जाएगा क्या। सुरेश जी देखो, वही अभी जस्ट उनका हमने आंसर किया है क्वेश्चन का कि एज थोड़ा लिमिट है, 18 प्लस होना चाहिए और 45 के आसपास। अगर आप 45-50 के हो तो काम मिलेगा, तो अनस्किल काम मिलेगा, डिशवाश फूटवाश का काम मिलेगा, हाउसकीपिंग काम मिलेगा, लोडिंग लोडिंग काम मिलेगा और इस तरह के काम मिलेंगे। तो वो मजा आपको नहीं है काम करने में, अगर आपको जरूरत है आप टच कर सकते हो जहां पर इस तरह से काम मिल जाते हैं। ठीक है, राहुल परफेक्ट लिखते हैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा। तो राहुल जी कॉन्टेक्ट नंबर के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहो, हम आपको बता देंगे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर क्या मिलेगा। गणेश बप्पा लिखते हैं सर योर नंबर मिल जाएगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है जैन चावला का, सर मैं आना चाहता हूं, मैं हर काम करने के लिए रेडी हूं। मोस्ट वेलकम जैन चावला भाई साहब, आप कॉन्टेक्ट करो मुझे, आप कैसे कॉन्टेक्ट करोगे वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा हमारा, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर निकालो
और हमें फटाफट कनेक्ट करो, आपका रिज्यूम भेजो, आपका डिटेल भेजो, आपको क्या काम किया वैसे बात करो, हम कोशिश करेंगे आपको बेटर से बेटर जॉब देने के लिए। ओके, श्री हरी श्री लिख का सर रूम मिलेगा, बिल्कुल रूम मिल जाएगा। रूम के लिए आपको आसपास वरना के आसपास में या फिर साउथ गोवा में आप जिस किसी लोकेशन में आपको काम करना है उसकी लोकेशन में आप जाओगे, राउंड रूम सर्च करोगे तो रूम इजीली मिल जाता है। बट अगर आपका किसी से रेफरेंस है, किसी के थ्रू आप रूम ढूंढ रहे हो तो बीजी वो इजिली रूम मिल जाता है। मेरे पास भी रूम है वरना इंडस्ट्री में साउथ गोवा में, हमारे कस्टमर ओनर है, उनको आप रूम पे जाओ रूम मिल जाएगा, बट आपको एडवांस में पे करना पड़ता है। शेयरिंग रूम है, शेयरिंग पीजी है, 3000 पर पर्सन शेयरिंग रूम है और पीजी 5000 पर पर्सन पीजी है। ओके, रूम में लाइट पानी बिजली गैस कनेक्शन फ्री मिलता है। सुजीत दास लिखते हैं एज लिमिट क्या है, वो वेरी गुड क्वेश्चन। एज लिमिट कम से कम 18 साल होना चाहिए और 18 प्लस 45 तक चलेगा, नो इशू। एम वासुदेव लिखते हैं रूम चाहिए भाई वेरना में जॉब मिला है मुझे। बिल्कुल वासुदेव, रूम मिल सकता है बट आपको रूम आगे सर्च करना पड़ेगा या फिर हमारे टच में अगर आप आते हो, हमारे हमसे रूम चाहिए तो हमारा रूम आपको शेयरिंग मिलेगा या फिर पीजी मिलेगा, जिसका रेंट पीजी का 5000 पर पर्सन है शेयरिंग में और 3000 पर पर्सन है शेयरिंग में रूम्स, जिसमें लाइट पानी बिजली गैस कनेक्शन फ्री आप मिल जाएगा, ऑनर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रवीण बागमारी भी लिखते हैं सर एज लिमिट क्या है, 18 प्लस प्लस 45 तक। नीरज कुमार लिखते हैं होटल या कैसीनो में जॉब मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिल जाएगी नीरज जी। फिर नेक्स्ट कमेंट किया है, लगभग 2 महीने पहले उन्होंने कमेंट किया था, सर मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है मुझे जॉब मिल सकती है क्या। बिल्कुल मिल जाएगी, इनको जॉब मिल भी गई 1 महीना पहले, इनका मैं इंटरव्यू कराया फार्मास्यूटिकल कंपनी वरना इंडस्ट्री में और इनका सिलेक्शन भी हुआ और 1 महीने से जॉब भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनको ऑपरेशन में काम करने में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है इनका जो नए जगह पे काम कर रहे हैं टीम्स के साथ। गुनाजीत बर्मन लिखते हैं गोवा में आने के बाद आपको कैसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल गोवा आने से पहले मेरे का कांटेक्ट करो और मुझे कॉल करो, मैं बुलाता हूँ तो ही आ लो। राजीव वर्मा लिखते हैं सर आपका मोबाइल नंबर, आपका नंबर मिलेगा या फिर फेक वीडियो बनाते हो भैया। फेक वीडियो तो नहीं, आप देख लो सारी वीडियो मेरी देख लो, फेक वीडियो तो एक भी नहीं है और आपको वीडियो देखकर भी पता चलता होगा कि मेरी वीडियो फेक है या फिर नहीं। ओके, रही बात मोबाइल नंबर का, चैनल के अबाउट में आपको नंबर मिल जाएगा और वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको नंबर भी दे देंगे। ठीक है, रघु यादव लिखते हैं आई एम बॉय कोई जॉब हो तो बताओ। बिल्कुल रघु जी, आपको जॉब मिल जाएगी कंपनियों में और रही बात आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप अपना रिज्यूम भेजो, हम आपको जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।